लखीमपुर खीरी जिले का एकमात्र दुधवा टाइगर रिजर्व वन्य जीवों की कब्रगाह बनता जा रहा है, जिसमें एक बार फिर एक दो माह के मादा गेंडे का शव मिलने से दुधवा पार्क कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। आपको बता दें, यह दो माह के मादा गेंडे का शव दुधवा के ककरा दक्षिण सोनारीपुर के जंगलों में मिला था। जब दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में पार्क कर्मी रूटीन गश्त पर थे, तभी गश्त के दौरान दो माह का मादा गेंडे का शव मिलने से पार्क कर्मियों में हड़कंप मच गया। गेंडे के शरीर पर किसी बाघ के हमले के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे गेंडे की मौत की बात कही जा रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि इस गेंडे की मौत दूसरे बाघ द्वारा हमला किए जाने से हुई है, जिसके चलते गेंडे के शरीर पर बाघ के पंजों के निशान और काफी चोट के निशान थे। टीम भारती न्यूज। 14 मार्च को हमारे यहाँ जंगल में गश्त करते समय हमारे स्टाफ द्वारा देखा गया कि दक्षिण सोनारीपुर रेंज में छोटे पलिया बीट में एक नवजात गेंडे की मृत्यु हुई है, जिसकी प्राथमिक जांच हम लोगों ने की तो उसमें जो शरीर पर उसके घाव है वो किसी संभवतः टाइगर के द्वारा था। फिर उसकी 5 सदस्यीय पशु चिकित्सक की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसपे उसकी घाव को उन्होंने परीक्षण किया, जिसपे घाव जो थे वो किसी कार्निवोर के क्लॉस से और कैनाइन से थे। तो उन्होंने पुष्टि की कि वो टाइगर के या कार्निवोर के द्वारा उसके शरीर पे घाव हुआ है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है।